फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बिहार से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को दे रही हूँ और इसमें कुछ करंट अफेयर्स भी हैं, क्योंकि ये BSPHCL का एग्जाम बिहार से रिलेटेड है तो उम्मीद है कि बिहार से कुछ क्वेश्चन तो रहेंगे ही रहेंगे। और जो क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, उम्मीद करती हूँ कि ये आपको एग्जाम में बेनिफिट पहुँचाए। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो बिहार दिवस मनाया जाता है हमारा 22 मार्च को। याद रख लीजिएगा इसे कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने वाला बिहार जो है भारत का राज्य बना कैम्मा। तो ये बना राज्य आपका 8वां। अब जानते हैं हम लोग कि ई सिगरेट क्या है। तो ई सिगरेट क्या है कि ई सिगरेट या इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, ये एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट है। ऐसा सिगरेट यंत्र है जो देखने में साधारण सिगरेट जैसा लगता है। इसमें एक बैटरी और एक कार्ट्रिज होता है। कार्ट्रिज में निकोटीन युक्त तरल पदार्थ होता है जो कि बैटरी की सहायता से गर्म होकर निकोटीन युक्त भाप देता है और इसी भाप को लोग उसे सिगरेट की तरह ही पीते हैं। तो ये था हमारा ई सिगरेट जिस पर कि अब प्रतिबंध लगाया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ कितने बार ली। तो ये लिए हैं बिहार में मुख्यमंत्री पद पर, ये 6 बार रह चुके हैं, 6 बार ये शपथ ले चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार का वित्त मंत्री कौन है। बिहार का वित्त मंत्री है सुशील कुमार मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार का वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो वर्तमान राज्यपाल है बिहार के सत्यपाल मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में बनी विश्व की सबसे बड़ा जो मानव श्रृंखला अभियान था के लिए था, किस चीज के लिए था वो। तो नशा मुक्त बिहार के लिए वो अभियान चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार का विभाजन किस वर्ष किया गया, किस वर्ष हुआ। झारखंड और बिहार जो अलग हुआ था वो किस वर्ष हुआ था। तो वो हुआ था 15 नवंबर 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में स्थान कैम्मा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में, तो ये कैम्मा स्थान पे है, 12वां स्थान पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का देश में स्थान, ये तो था हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां और जनसंख्या की दृष्टि से 3रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का प्रथम महाकवि के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो वो जाना जाता है विद्यापति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है। तो बिहार की जो सबसे बड़ी परियोजना है वो है गंडक परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है। ये तो सभी जानते हैं कि बिहार का शोक जो है कहा जाता है कोशी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में महिला एवं पुरुष का जो लिंगानुपात है वो कितना है। तो 916 प्रति 1000, इसका मतलब है कि 1000 पुरुष है तो 916 महिलाएं हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बिहार की जनसंख्या कितनी है। तो ये आप याद रख लीजिए इसे, क्योंकि ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो इसकी जनसंख्या को हम याद करते हैं किस तरीके, 10, 38, 04, 637, इस तरीके से आप याद रख लीजिए इसे। क्या 10, 38, 04 और 637, बस आप ये 2, 2, 4 और 2, 6 डिजिट कम से कम आप याद रखिए, तो आपके जो ऑप्शन होंगे आप उसमें से उसे छांट सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है। तो बिहार शब्द का जो अर्थ है वो क्या है, बौद्ध मठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है। तो बिहार का क्षेत्रफल कितना है, 94,163, इसे याद रखिए, 94,163, ये ज्यादा अच्छे से याद रहेगा और जल्दी याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में जिलों की संख्या कितनी है। तो बिहार में जिलों की संख्या है 38 जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। बिहार में अनुमंडल की संख्या कितनी है। तो बिहार में अनुमंडल की संख्या है 101। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं। तो कोसी, पुनपुन, गंडक, कमला
और गंगा। इसे याद रख लीजिए क्योंकि ऑप्शन में आपको इस तरीके से दिया जा सकता है कि इनमें से कौन सी बिहार की नदियां प्रमुख नदियां नहीं है, और आपको क्या करेगा कि तीन ऑप्शन कुछ और दे देंगे और एक ऑप्शन इनमें से किसी को दे दिया जाएगा, या फिर इनमें से देकर एक दूसरी नदी का नाम दे दिया जाएगा। किसी भी तरीके से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो याद रख लीजिए कि बिहार की प्रमुख नदियां कौन कौन सी, कोसी, पुनपुन, गंडक, कमला और गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार राज्य का वेबसाइट क्या है, तो www.gov.bih.nicneet.in ये है हमारा क्या बिहार राज्य का वेबसाइट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, एक नजर डालते हैं बिहार के पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण इन सब के बारे में, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अब देखिए ये हमारा बिहार का क्या है, मैप दिया गया है। अब यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार के उत्तर में कौन सा है, क्या है बिहार के उत्तर में, तो बिहार के उत्तर में देखिए यहाँ पे क्या है, नेपाल है। बिहार के दक्षिण में क्या है, तो देखिए ये झारखंड है। बिहार का ये पूर्वी साइड है, तो पूरब में क्या है, पश्चिम बंगाल, और क्या है पश्चिम में क्या है, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ मैंने दे दिया है कि बिहार के उत्तर में क्या है, नेपाल, बिहार के दक्षिण में झारखंड, बिहार के पूरब में पश्चिम बंगाल, और बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जाता है कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, और इसमें क्वेश्चन क्या रहेगा कि कितने परसेंट क्षेत्र पर मतलब कि खेती की जाती है। तो यहाँ जो है 85% जनसंख्या जो है कृषि पर निर्भर है, और कितने परसेंट, तो 80% या 80 से 85 के बीच इसका परसेंटेज दिया रहता है। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं कि बिहार के प्रमुख व्यक्ति के बारे में, कि इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई नाम आपको दे दिया जाएगा कि रामधारी सिंह दिनकर किस राज्य से संबंधित है, तो इसमें कुछ व्यक्ति के नाम है महत्वपूर्ण, आप इसे याद रखिए। पहला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, राम प्रसाद बेनीपुरी, विद्यापति, आर्यभट्ट, राम कुमार शुक्ल, श्री कृष्ण सिंह, देवकी नंदन खत्री, नागार्जुन, फणीश्वरनाथ रेणु, ये सारे हैं इम्पोर्टेंट व्यक्तियों के नाम। तो ये था आज का वीडियो। आज का वीडियो आप सबों को कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।